एक और जहां अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है तो वहीं अब अमेरिका ने उत्तर कोरिया को भी धमकी दे डाली है। अक्सर उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण की बात करता है लेकिन 2017 के बाद उसने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया, जिसको लेकर उत्तर कोरिया 5 सालों में परमाणु परीक्षण करना चाहता है लेकिन अमेरिका उसकी राह का रोड़ा बन रहा है और जोरदार जवाब की धमकी दे डाली है। उत्तर कोरिया को अमेरिका से धमकी मिली है कि अगर परमाणु परीक्षण किया तो जवाब जोरदार होगा। अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने मंगलवार को चेतावनी दी थी कि अगर उत्तर कोरिया ने पिछले 5 साल में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। उसने अपना पिछला परमाणु परीक्षण सितंबर 2017 में किया था। शर्मन दक्षिण कोरियाई और जापानी समक्षों से मुलाकात के लिए सियोल पहुंची है और बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण करने की स्थिति में अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया है। हालांकि नए सार्थक दंडात्मक कदमों का भविष्य अस्पष्ट है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध पर ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विभाजित है। दक्षिण कोरिया के उपदेश मंत्री चो ह्यून डोंग ने मुलाकात के बाद शर्मन से कहा कि कोई भी परमाणु परीक्षण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का पूर्ण उल्लंघन होगा। ऐसे में परीक्षण का जवाब त्वरित और जोरदार हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका उत्तर कोरिया से आग्रह करता रहेगा कि वो अपनी अस्थिर करने और उकसाने वाली गतिविधियों को छोड़ दे और कूटनीति का रास्ता अपनाए। उत्तर कोरिया के परमाणु मुद्दे पर शर्मन वो चो की बुधवार को जापान के उप विदेश मंत्री मोरी टोक्यो के साथ त्रिपक्षीय बैठक की योजना है। बता दें कि मंगलवार को दक्षिण कोरिया के पश्चिमी तट पर दक्षिण कोरियाई और अमेरिका सेना के 20 फाइटर जेट ने चक्कर लगाए। इन फाइटर जेट को उड़ाने के पीछे का असल मकसद है उत्तर कोरिया की ओर से किसी तरह की प्रतिक्रिया होती है तो इसके लिए जवाबी कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि हवाई प्रदर्शन में 16 दक्षिण कोरियाई प्लेन शामिल थे, जिनमें से F-35A स्टिल्थ फाइटर और 4 अमेरिकी F-16 फाइटर जेट थे। इनका मकसद उत्तर कोरिया की भड़काऊ गतिविधियों का जवाब देने की क्षमता प्रदर्शित करना है और इससे पहले दक्षिण कोरिया के पूर्वी जल क्षेत्र में 8 मिसाइलें छोड़ी गई थी। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।